नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको OTG के टॉप 10 यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप हमारे नए वीडियो की जानकारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये है OTG केबल, जो दोस्तों आपको मार्केट में 25 से 30 रुपये के अंदर में मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक 1000 GB का हार्ड डिस्क ले रखा है और इसे दोस्तों मैं अपने मोबाइल में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने मोबाइल में इसे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारी जो ड्राइव थी वो ओपन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो WD की VSP ड्राइव थी वो यहाँ पर कनेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों मैं सेटिंग्स में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो मेमोरी है वो कितनी है। उसके लिए दोस्तों मैं स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं WD USB ड्राइव की जो स्पेस है 0.91 TB, यानी कि 931 GB होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपने OTG वाले फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन को चार्ज करके दिखाऊंगा। उसके लिए दोस्तों मैं अपने चार्जर केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर दूसरे फ़ोन में उसे इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो चार्जर था वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो चुका है। मैं इसे एक बार फिर से लगाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप ऐसे अपने दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक लाइट का यूज़ किया है, ये भी दोस्तों आपको मार्केट में 25 से 30 40 रुपये के अंदर में मिल जाते हैं। आप इसका यूज अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। दोस्तों ये 16 GB का OTG पेन ड्राइव है। दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में भी इसे यूज़ करते हैं, दोनों फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक साइड में ये आप इसे कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और दूसरी साइड में आप अपने OTG फ़ोन में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से दोस्तों आप अपने डाटा को आप अपने पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव था वो ओपन हो चुका है। चलिए दोस्तों मैं इसका भी आपको मेमोरी चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सनडिक्स USB ड्राइव, जिसका स्पेस 14.31 GB है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर दोस्तों आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो बनाने में। आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों हमारा माउस कनेक्टेड हो चुका है। दोस्तों आप बिल्कुल कंप्यूटर की तरह अपने माउस को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये OTG फैन है, दोस्तों ये भी आपको मार्केट में 60 से 70 रुपए के अंदर में मिल जाते हैं। मैं इसे लगाता हूं और दोस्तों इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है और आप इसका गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कार्डिडेट भी आपको मार्केट में 30 से 40 रुपए के अंदर में मिल जाते हैं। इसकी मदद से दोस्तों आप किसी के भी मेमोरी कार्ड से उसके फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं या फिर उसे मूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप कीबोर्ड को भी अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो कि कनेक्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस नंबर को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ऐसे करके आप कीबोर्ड को भी यूज़ अपने फ़ोन में कर सकते हैं। दोस्तों ये एक गेम पैड है, दोस्तों आप इसकी मदद से आप अपने फ़ोन में गेम भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो की नई जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।